किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। COS 13-235 गन्ने की शीघ्र प्रजाति है जो गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से विकसित की गई। यह प्रजाति काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आज हम दिखाएंगे, हमारे किसान राकेश चौबे जी का यह प्लाट था। इन्होंने गत वर्ष अक्टूबर के महीने में इसको लगाया था और अभी गन्ने का वजन किया गया है। तो कई गन्ने इसमें इस तरीके के थे जिनका वजन करीब 4 किलोग्राम तक था। इस प्रजाति में अगर हम बात करें कि किसान के लिहाज से कितनी अच्छी प्रजाति है, तो इस प्रजाति का जमाव जल्दी हो जाता है, टिलरिंग बेहतर है और जो टिलर्स चलते हैं बिल्कुल मिलकर चलते हैं, फैलते नहीं हैं, जिसके कारण उसके अंदर घास नहीं हो पाती है। और इस प्रजाति में चूंकि मिलकर चलते हैं, फैलते नहीं हैं, तो इंटरक्रॉपिंग यानी अगर दूसरी फसल हम इसकी दो लाइनों के बीच में लगाना चाहें तो वह भी बेहतर होती है। साथ ही में इस गन्ने की प्रजाति में यह गुण भी देखा गया कि अगर हम इसको कंपेयर करें 15-023 की तुलना में, तो इसमें जो लॉजिंग है वो काफ़ी कम होती है। आप यहाँ पर देखें, गन्ने की जो पोर है काफ़ी अच्छी लंबाई है उसकी, थोड़ा हरा रंग लिए हुए है। गन्ने की मोटाई ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छी मोटाई है। साथ ही में जो बड्स हैं वो निकली हुई हैं, गोलाकार हैं और इनका जो जमाव है काफ़ी बेहतर है। कोई रोग इस खेत में नहीं, जैसा कि लोग ये बताते हैं कि इसमें बोरर की समस्या रहती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया है, किसी प्रकार का बोरर नहीं लगा है। और यहाँ पर 15-023 भी लगाया गया था, 13-235 भी लगाया गया था। अगर इस खेत में हम इसको कंपेयर करें तो इसकी उपज बल्कि 15-023 की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है। गन्ने की मोटाई भी अच्छी है और गन्ना भी अच्छा। जो पेड़ी का फुटाव इस गन्ने का देखा गया है वह भी काफ़ी बेहतर है। तो इस तरीके से हम अगर बात करें कि इसकी उपज कितनी हो सकती है, तो किसान भाइयों, मुझे लगता है कि यह एक ऐसी प्रजाति है जिसको लगा करके आप लगभग 118-82-72 जो ऐसी प्रजाति हैं इनकी बराबर इसकी उपज ले सकते हैं। और इसमें अभी रेड रॉट नहीं देखा गया है, इसी तरीके से विल्ट जैसी बीमारियां नहीं हैं और इस प्रजाति का जमाव बेहतर है। चाहे अक्टूबर का गन्ना लगाया गया हो, चाहे फरवरी मार्च महीने में इस गन्ने को लगाया गया हो, उपज बेहतर प्राप्त हो रही है। आपको जितना भी बीज कहीं से मिल जाता है उसको आप सिंगल बड में काट करके अभी भी लगा सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं। इस प्रजाति में ध्यान रखना है कि जो दूरी है लाइन से लाइन की वह 4.5 फीट रखें और बड से बड की दूरी 1.5 फीट रखें। अगर सिंगल बड से लगाते हैं, अगर पौध से लगाते हैं, तब भी यह दूरी 1.5 फीट रहेगी। और अगर आप इस गन्ने की प्रजाति को वैसे लगाना चाहते हैं सीधे और ख़ासतौर से लेट नवंबर में, तब इसको डबल बड में लगाएं और डबल बड में लगा करके ध्यान रखें कि इसकी जो दूरी है दो टुकड़ों के बीच में वो 15 सेंटीमीटर की रखी जाए। गन्ने के बीज का शोधन अवश्य किया जाए, जिसमें बेवस्टीन 100 लीटर पानी में 200 ग्राम और 100 मिलीलीटर इमिडाक्लोपीड डाल करके आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े को भिगो करके उसके बाद इसकी बुआई की जाए। बुआई करने पर ये ध्यान रखें कि खाद पहले डाल दें। 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपरफास्फेट, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटास और 1 बैग यूरिया। साथ ही में जो भूमि का शोधन है उसको आप पेपरोनिल से करें, 2 किलोग्राम प्रति बीघा या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पेपरोनिल से भूमि का शोधन कर दें। बीज और भूमि दोनों का शोधन करेंगे ताकि इस वेराइटी में कोई भी रोग ना आने पाए, इससे एक बेहतर उपज ली जा सकती है। ऑटो डिट्रेसिंग तो इस वैरायटी में नहीं है, यानी पत्तियां स्वतः तो नहीं छूटती लेकिन आसानी से छूट जाती हैं, इसलिए किसान भाई इसकी जो हार्वेस्टिंग में उनकी कास्ट आती है वो भी कम होगी। यहाँ पर ये देखें कि गन्ने बिल्कुल सटे हुए हैं, जिसके कारण ही गन्ने कभी गिरते नहीं हैं, इनको बांधना आसान रहता है और अच्छी गन्ने की उपज इस गन्ने की प्रजाति में प्राप्त की जा सकती है। इस प्रजाति में एक बड़ा फायदा ये है कि जो टिलरिंग है वह बहुत अच्छी होती है। जैसे ही गन्ने की आप कटाई करते हैं, इसमें टिलरिंग प्रारंभ हो जाती है, जिससे पेड़ी का जो गन्ने का उत्पादन है वह भी बेहतर लिया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।